He is a kind-hearted person. कमाल का नॉलेज है डॉक्टर का. I think he is living the radiology. एक तरह से ये कह लीजिए कि आधी डायग्नोसिस मशीन वो स्वयं ही है. Who is he? Dr. Neeraj Gupta, Senior Radiologist for Mankind. राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में एक प्रतिष्ठित अनाज व्यवसायी परिवार में जन्म लेने वाले डॉक्टर नीरज गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा गृहनगर में ही पूरी हुई. परिवार का व्यवसायिक परिवेश होने के कारण हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन आपने एक एवरेज स्टूडेंट की तरह पूरी की, मगर मन में कुछ अलग करने की तमन्ना थी तो PMT की परीक्षा पास की और 1998 में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया. सन 2004 में MBBS की डिग्री हासिल करने के तुरंत बाद आप रेडियोलॉजी में उच्च अध्ययन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर चले गए. अध्ययन के अंतिम वर्ष के दौरान ही आपको राजस्थान के राम स्नेही संप्रदाय द्वारा संचालित राम स्नेही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलवाड़ा में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे स्वीकार करते हुए रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर चुके डॉक्टर नीरज गुप्ता ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सन 2006 में चिकित्सा जगत में अपना पहला कदम रखा. दो साल तक राजस्थान में अपनी सेवाएं देने के बाद आपने पुनः मध्य प्रदेश का रुख किया और इंदौर के प्रतिष्ठित सोढ़ानी डायग्नोस्टिक सेंटर में मुख्य रेडियोलॉजिस्ट के पद की जिम्मेदारी संभाली. मगर दिल में कसक अभी बाकी थी कुछ और आगे बढ़ने की, कुछ ज्यादा करने की. तभी सन 2010 में गोकुलदास हॉस्पिटल इंदौर से सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के लिए ऑफर मिला और आपने अपनी सेवाएं यहां देना प्रारंभ कर दिया, जो आज भी जारी है. इसी बीच सन 2013 में शहरी स्तर की डायग्नोसिस सुविधाएं राव जैसे ग्रामीण अंचल में उपलब्ध कराने के विचार से डॉक्टर नीरज गुप्ता ने साई सेवा डायग्नोस्टिक्स के नाम से स्वयं का डायग्नोस्टिक सेंटर राव में प्रारंभ कर दिया, जहां आज भी राव एवं आसपास के ग्रामीण रोगियों को शहर जैसी उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अल्ट्रासाउंड में आपको महारत हासिल होने के कारण ही शहर और आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं से संबंधित जटिल रोगों के निदान के लिए डॉक्टर नीरज गुप्ता की डायग्नोसिस रिपोर्ट्स को ही प्राथमिकता देते हैं. जब हमारे डिफिकल्ट पेशेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स, जिनमें कि कई पेशेंट्स में हमको डायग्नोसिस में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉक्टर नीरज से जब हम एक बार सोनोग्राफी करवा लेते हैं तो हमारी 90-95% तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कभी CT या MRI तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. कई पेशेंट जैसे अनमैरिड है, जिनमें हम एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं उनमें, या कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, फाइब्रॉइड है, ओवरी में गठान है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड पेशेंट्स हैं जिनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डॉक्टर नीरज से सोनोग्राफी कराते हैं तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सर्जरी मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर बात चाहे ट्यूमर की हो या गॉल ब्लेडर की या अन्य किसी सर्जरी की, सर्जन्स का पहला भरोसा डॉक्टर नीरज गुप्ता के डायग्नोसिस पर ही होता है. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार, मैं GI सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ. हमें सोनोग्राफी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर बार हर केस में ज़रूरत रहती है, और डॉक्टर नीरज बहुत अच्छे सोनोलॉजिस्ट हैं. हमारा पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस का जो कन्फर्मेशन है वो सोनोग्राफी के आधार पर ही होता है. नीरज की हमने सोनोग्राफी देखी है, वो बहुत ही एक्यूरेट रहती है,
कई बार तो हमने सीटी स्कैन करा के देखा और सीटी स्कैन में भी सेम फाइंडिंग हमेशा मिलता है जब जब भी कराया है। इसलिए अच्छी सोनोग्राफी का एक बहुत महत्व है और डॉक्टर नीरज गुप्ता इज़ अ वेरी गुड सोनोलॉजिस्ट एंड उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। आई थिंक ही इज़ अ सिक्स सेंस टू डायग्नोज द केसेस। यूं तो किसी भी बीमारी के सही इलाज के लिए सही डायग्नोसिस रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर कैंसर, बायोप्सी और अन्य ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों में रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही कारण है कि शहर के नामचीन डॉक्टर्स भी शरीर के नाजुक हिस्सों और ट्यूमर की बायोप्सी करने में दक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता की ही सेवाएं लेते हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता इज एक्सेलेंट पर्सन एंड एक्सेलेंट सोनोलॉजिस्ट आल्सो। इन मेनी केसेस लाइक कॉम्प्लेक्स अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर एंड एब्डोमिनल मास, आई हैव सीन हिज डायग्नोसिस इज एक्यूरेट। चाहे कॉम्प्लिकेटेड इनफर्टिलिटी केसेस हों या फिर क्रिटिकल ट्रामा पेशेंट्स को रिकवर करना हो, डॉक्टर्स की टीम में एज ए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता की भूमिका अहम होती है। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में डॉक्टर नीरज गुप्ता सर की हमको बहुत हेल्प मिलती है और उनके जो अनुभव है वो सभी सर्जन को काफ़ी कुछ काम आते हैं और उसमें सर्जरी में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। न्यूरो, आर्थो, गायनिक, जनरल फिजिशियन या सर्जन, सभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीट करने के लिए अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन आदि रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में डॉक्टर नीरज गुप्ता का डायग्नोसिस और उनकी रिपोर्ट्स उनके लिए की फैक्टर का काम करते हैं। अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी के क्षेत्र में इन्हीं सब अनुभव और सफलताओं के चलते आपने निर्णय लिया कि इंदौर शहर के मध्य भी ऐसा सेंटर स्थापित किया जाए जहां अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सहित संपूर्ण डायग्नोसिस सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों। इसी के परिणाम स्वरूप 15 जुलाई 2018 को शुरुआत हुई नीरज डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर की। यह अत्यधिक हर्ष की बात है कि आज डॉक्टर नीरज गुप्ता जी के क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी हमारे इंदौर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कई सालों से इस सुविधा को महारत हासिल करके और अब इंदौर के जनता के लिए अपना क्लिनिक चालू किया है, जो हम सब के लिए अत्यधिक हर्ष की और खुशी की बात है। और इस अवसर पर मैं उनको और उनकी टीम को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। डॉक्टर नीरज गुप्ता हमारे इंदौर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और सोनोग्राफी के मामले में इन्हें एक विशेष योग्यता हासिल है और इनकी सोनोग्राफी के बाद ही हमारे यहाँ के अनेक डॉक्टर इलाज करते हैं और अल्ट्रासाउंड के संबंध में भी ये विशेष योग्यता रखते हैं। और यहाँ पर ये जो सेंटर खुला है इससे इंदौर ही नहीं पूरे इंदौर संभाग के जो मरीज आएंगे उनको सुविधा मिलेगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में है, यहाँ से बस स्टैंड पास में है और पास में ही लगा हुआ हमारा एयरपोर्ट है, तो जो बाहर के यात्री आएंगे, मरीज आएंगे, वो आसानी से यहाँ पर इनकी पहुँच हो पाएगी और वो अपना इलाज करा पाएंगे। और मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे डॉक्टर हमारे शहर में और अपने शहर का और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के नज़दीक साउथ तुकोगंज में सूर्य होटल के पास स्थित इस अत्याधुनिक सेंटर में पैथोलॉजी से लेकर रेडियोलॉजी तक की संपूर्ण सुविधाएं सामान्य दरों पर उपलब्ध हैं। बीमारियों के निदान के लिए कई चिकित्सा प्रणालियां उपलब्ध हैं, मगर रोग की सही पहचान और दशा को जानने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका अहम है।